नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड हाल ही में हमारी खबरों में आई है। अभी तक ऐसा होता था कि अगर किसी भी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसे 11th और 12th में बायोलॉजी पढ़नी पड़ती थी, और बायोलॉजी पढ़ने के बाद वो 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम देता था और उसे क्लियर करने पर वो डॉक्टर बनता था। लेकिन हाल ही में NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक डिसीज़न लिया है कि अब मैथमेटिक्स से 11th और 12th करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी डॉक्टर बन सकेंगे। यानी 12th के बाद अगर उनका इरादा बदल जाता है और वो डॉक्टर के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो वे बिल्कुल जा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ उन्हें 12th क्लास में मैथमेटिक्स के साथ एडिशनल बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इस अपने सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए अलग से एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो भी NMC क्या करने वाली है, शुरू करने वाली है। तो खबर आप सभी लोगों के सामने ये है कि अगर आपने 11th और 12th में मैथ्स ले ली है तो आप एडिशनल बायोलॉजी लेकर भी आप 12th के बाद अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान अड्डा 247 के साथ।